आज हम लोग बात करते हैं कि क्या बात करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे बात करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, व्हाट यू टॉक इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ यू टॉक इज इम्पोर्टेंट। कुछ एग्जांपल दो दिन पहले हुआ उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। मेरा प्रोजेक्टर रेंट में जाता है, वो भी मेरा एक साइड बिजनेस है ना। चार पांच इनकम होना चाहिए ना, एक इनकम में भरोसा नहीं चलना चाहिए, तो मैंने वो इनकम बना के रखा है। उसको ट्राई टेस्ट करके मैंने अलग किया। ओके, बात आज अलग है कम्युनिकेशन के हिसाब से। मैंने मुथूत फाइनेंस में एक ट्रेनिंग था, तो उसके लिए मैंने मेरा प्रोजेक्टर ऑर्डर पे फ़ोन आया, तो मैंने उनको ऑर्डर भेजा। ऑर्डर हो गया, फिर उनको बिल चाहिए था, उन्होंने बोला बिल चाहिए था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। मैं बोला कल आपको मैं मेल करता हूँ या देता हूँ, चलेगा क्या? उन्होंने बोला कि तो प्रोजेक्टर आपको कल मिलेगा, चलेगा क्या? ऐसा बोला। ये गुस्से वाली बात है ना कि कोई आके बोलता है आपको, आपका 1000 रुपया बिल के लिए आप 50000 रुपये मेरा रख लो गया, ऐसा चलेगा क्या? बोला 1000 रुपया फ्री में रख लेना, मेरे को प्रोजेक्ट चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने बोला नहीं, ग्राहक ग्राहक होता है, मेरे लिए वो पैसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन बिजनेस के हिसाब से कस्टमर्स को रेस्पेक्ट हमेशा देना चाहिए, हमें अपना गर्व नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ओके ओके सर, ऐसा करके मैंने बोल दिया, मैंने बिल अरेंजमेंट करके दे दिया। वहाँ पे मेरा लाइफ सक्सेस में एक प्रोग्राम सिखाता हूँ मैं, उसमें एक टॉपिक है रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। हमेशा हमें हमारे साथ जो भी होता है उसके ऊपर हम रिएक्ट नहीं करना है। उस समय जो मिला बोल देना नहीं चाहिए, आपको सोच के उसके हिसाब से आपको रेस्पॉन्ड करना चाहिए उसके हिसाब से। तो ये पॉइंट मैं तो सिखाता हूँ, तो मुझे तो यूज़ करना पड़ेगा ना। तो मैंने ऐसा सोचा, फिर मैंने उनको बोला ओके सर, क्योंकि मेरे लिए क्लाइंट इम्पोर्टेंट है, सेकंड वो अपने उनकी तरफ से सही है, भले उन्होंने थोड़ा ओवर बोल दिया चलेगा, लेकिन डन। तो मैंने अच्छी तरह से उनको बिल दे दिया, मेरा ले लिया, ख़त्म। वापस उनका कल एक फ़ोन आया था कि आज संडे को मेरे को वापस चाहिए मुझे, तो बोला ओके सर डन। तो मैं उनको अभी जैसे मैंने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि मैंने रिएक्ट नहीं किया ना। कोई गुस्सा हो सकता है, अभी कोई कोई बिजनेसमैन को मैंने देखा है कि कस्टमर को चिंदी समझते हैं, यू नो बहुत ऐसे बिहेव करते हैं। मैंने एक बार एक होटल पे, बहुत छोटा ऐसा होटल रहता है वहाँ पर ही था, तो एक कस्टमर रेगुलर आता है करता है, वो आके बोलता है कि कल जैसे मुझे दही दे देना। तो वहाँ की जो ओनर नहीं है लेकिन जो काम करने वाला बोलता है कि 1 किलो दे दूँ एक जन खाने के लिए, 1 किलो दे दूँ क्या? पूछ रहा है, नहीं 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 नहीं, तो कितना चाहिए बोलना। तो बोलता है 100 ग्राम दे दो, वो कुछ ज़्यादा। तो यहाँ पे तो कस्टमर सर्विस कुछ आएगा नहीं ना, उनको क्या है कस्टमर सर्विस क्या होता है, कस्टमर कौन होता है, ये सब आइडिया नहीं है। एनीवे, तो हमेशा कस्टमर को रेस्पेक्ट देना चाहिए, कस्टमर हमेशा अपने पास आना चाहिए, उसी हिसाब से हमें बिहेव करना चाहिए। तो मैंने वैसे बिहेव किया, उनको बहुत अच्छा लगा। वापस उनका कल एक कॉल आया कि संडे मुझे प्रोग्राम ये चाहिए, मतलब ओके सर आपको मिलेगा। अगर उस दिन मैं गुस्से से बोला होगा कि तुम्हारा 1000 रुपये नहीं चाहिए, मेरा प्रोजेक्ट ऐसा बोल सकता ना मैं, लेकिन बोला नहीं, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप उनसे रखना है, उसके लिए मैंने उनके साथ अच्छा बात किया, उसके लिए मुझे दोबारा बिजनेस मिला। तो आप जो भी बोलना चाहते हो वो क्या बोलते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे उनको बोलते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोच समझ के बोलना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मैंने रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल होगा। और एक एग्जाम्पल है कि मुझे एक प्रोजेक्टर का स्टैंड चाहिए था, तो मेरा फ्रेंड का भी शॉप है, और ऑनलाइन में भी मैंने देखा काफ़ी रेट कम है और इसमें रेट ज़्यादा था। तो मेरा फ्रेंड को पूछा तो वो रेट ज़्यादा बोल रहा था, सेम मॉडल सेम एवरीथिंग। मैं उनको पूछ सकता हूँ ना, मैं उनको बोल सकता हूँ यार इसमें तो रेट कम है, तेरा इतना ज़्यादा है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने उनको बोला नहीं। मैंने क्या पूछा, अच्छा दिनेश ये जो प्रोजेक्टर है ना, तो यहाँ पे इतना बता रहा है और तेरे पास इतना रेट है, ये दोनों को फ़र्क क्या है, ऐसा मैंने पूछा। मुझे सीधा सीधा मालूम है कि दोनों ब्रांड एक ही है, साइज पीस मॉडल वॉडल एक ही है, लेकिन इसका रेट ज़्यादा है। अगर मैं उसको बोलूँ तेरा रेट इतना ज़्यादा क्यों है यार, ऐसा। तो हमेशा बात करने के टाइम अपना ओपिनियन नहीं बोलना चाहिए, ओपिनियन मतलब मैं क्या सोचता हूँ ना, अपना स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए। हमेशा आपको फैक्ट्स बात करना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए, आपकी बातों में हमेशा ये समझने की बात होना चाहिए। तू हमेशा ऐसे करता है, यू नो तेरा यही हमेशा होता है, तू ऐसे ही करता है, ये सब ओपिनियन हो गया। ये ओपिनियन हमेशा झगड़ा को ज़्यादा बढ़ाता है और आपको जो चाहिए वो नहीं होता है, राइट। सो मैंने उनको पूछा कि दिन दोनों का ये डिफरेंस क्या है, तो बोला नहीं नहीं वो क्वालिटी इसमें अच्छा है, ऐसा है ऐसा है, मतलब ठीक है। फाइनली उन्होंने रेट कम कर दिया, थोड़ा ऑनलाइन से थोड़ा रेट ज़्यादा था, लेकिन मैंने उधर जाके देख के लिया, इसके लिए मैं जाके ले लिया। सो हमेशा कम्युनिकेशन में ध्यान रखिए,
आपको ये ध्यान रखना था कि आप क्या बोलते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे बोलते हो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। थैंक यू।